अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफिस से होंगे। क्लास नंबर 4 में आप सबको खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट के बारे में, लिंक एट्रीब्यूट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पेज लेआउट की। तो पेज लेआउट में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले हमने 3 टैग्स करने होते थे, HTML का टैग, और उसके बाद हेड का टैग है, और उसके बाद बॉडी का टैग है। ये HTML मेन टैग और उसके अंदर हेड बॉडी टैग यूज़ करने हैं, और हेड के अंदर हमने टाइटल या मेटा टैग जो भी लिखना है हेड के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट बॉडी के अंदर हम हर चीज़ लिखेंगे। हम करते आ रहे हैं कि हमने बॉडी के अंदर जो भी डाटा लिखना है बॉडी के अंदर लिखना है, लेकिन बॉडी के अंदर भी कुछ कुछ तरीक़ों से लिखना है, मतलब कुछ टैग्स का यूज़ करके लिखना है। मतलब अगर कोई चीज़ भी हमें लिखनी है वो किस तरह लिखनी है, वो चीज़ें भी यहाँ पे मायने रखती हैं। आपको पता है कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो उसको SEO की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जब आप सर्चिंग करते हैं, SEO क्या होती है, SEO को समझ लेते हैं। SEO कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कोई सर्च करता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ HTML ट्यूटोरियल। अब मैंने सर्च किया है, इसमें हमारे पास कितनी वेबसाइट्स आई हैं, ये टॉप पे W3 स्कूल्स की है, उसके बाद ट्यूटोरियल पॉइंट की है, उसके बाद हमारे पास ये सारी वेबसाइट नीचे नीचे, मतलब जितना नीचे हम स्क्रॉल करते जाएंगे कोई ना कोई वेबसाइट आती जाएगी। यहाँ पे दूसरा पेज ओपन कर लेंगे, यहाँ पे भी ये वेबसाइट्स आती रहेंगी, तो ये नीचे वेबसाइट्स आती रहेंगी। अब क्या वजह है कि ये जो W3 स्कूल की है यही वेबसाइट टॉप पे क्यों आई है? क्यों? क्योंकि इसको रैंक किया गया है। SEO बेसिकली रैंक करने के लिए होती है, मतलब वेबसाइट्स को रैंक करते हैं उसके अंदर। अब SEO में क्या होता है, कंप्यूटर जो PC है वो समझता है कि अगले बंदे ने सर्च क्या किया है। मैंने सर्च किया था HTML ट्यूटोरियल, तो इसके अंदर ये जो HTML ट्यूटोरियल है वो कुछ किसी ऐसी जगह पे लिखा गया है जिससे कंप्यूटर को पता चला है कि इसके अंदर HTML ट्यूटोरियल होगा, तभी उसने उसको टॉप पे हमारे टॉप पे शो करवाया है। अगर हम यहाँ पे लिख दें, हम हेड के अंदर HTML ट्यूटोरियल लिखते हैं या फिर बॉडी में लिखते हैं, लेकिन कोई ऐसा टैग यूज़ कर रहे हैं कि वो कंप्यूटर को ना समझ आए, वैसे तो हमारा पेज का जो समझ हो, मतलब मैं यहाँ पे P लिखता हूँ या फिर H1 लिखता हूँ, H1 के अंदर मैं लिख दूँ HTML लिख दूंगा, लेकिन इसका यहाँ पर मैं P टैग का यूज़ कर लेता हूँ। तो पैराग्राफ टैग हमने लिया है और उसके अंदर हमने H1 में HTML लिख दिया है। अब ये बोल्ड होकर शो हो रहा है लेकिन P के अंदर है, पैराग्राफ के अंदर है। अब कंप्यूटर को नहीं पता कि ये मेन इसके अंदर HTML है कि नहीं, क्योंकि कंप्यूटर को यही पता है कि P टैग का यूज़ किया गया, मतलब पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर को बताने के लिए हम कुछ ऐसे टैग्स का यूज़ करते हैं ताकि उसे पता चले कि इसके अंदर क्या चीज़ अहम है और क्या चीज़ अहम नहीं है। इससे SEO में भी बड़ा फ़ायदा होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही से मैनेज होती हैं। अब इसमें पढ़ते हैं कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है HTML लेआउट में। HTML लेआउट में 3 मेन चीज़ें होती हैं। बॉडी के अंदर हमने मेन सबसे पहले होता है हेडर, बल्कि इस बॉडी के अंदर भी हमने एक हेडर का यूज़ करना होता है, उसके बाद हमने एक मेन का यूज़ करना होता है, मेन के बाद एक होता है फुटर। तो कोई भी चीज़ अगर हेडर वाली है तो वो हम हेडर में लिखेंगे, कोई चीज़ मेन वाली है तो वो मेन के अंदर लिखेंगे, और फुटर वाली है वो हमने फुटर के अंदर लिखनी होती है, मतलब नीचे। अब बात कर लेते हैं मेन की। मेन के अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं। मेन के अंदर 3 हमने कौन सी लिखनी होती हैं, सेक्शन, सेक्शन आ जाता है, उसके बाद आता है आर्टिकल, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा साइट। तो ये तीनों टैग हैं, मतलब सेक्शन के अंदर हम अलग चीज़ें लिखते हैं, आर्टिकल के अंदर हम अलग चीज़ें लिखते हैं, और साइट के अंदर हम अलग चीज़ें लिखते हैं। अगर हेडर की बात करें तो अगर कोई नेविगेशन वाली चीज़ें होती हैं तो वो यहाँ पे हेडर के अंदर लिखी जाती है। नेविगेशन आपको पता होगा, आपको मैं अभी थोड़ी देर में कोई वेबसाइट शो करवाता हूँ जहाँ पे नेविगेशन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है ये साइट पे ऊपर लिखा हुआ है HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, या फिर लेफ्ट पे ये जो चीज़ें हैं तो इनको नेवी बार कहते हैं। अब यहाँ पे हम पेज लेआउट देखते हैं जिसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, लाइक जो मैंने आपको बताया कि ये देखिए ये बॉडी है, ये मुकम्मल एक जो पिक्चर है ये एक बॉडी की है। इसके अंदर बॉडी के अंदर जो हेडर है, हेडर आ रहा है, उसके बाद नेव आ रहा है, उसके बाद जो मैंने मेन चीज़ें आपको बताई थी मेन टैग के अंदर वो सेक्शन है, आर्टिकल है, असाइड होता है साइड पे कोई भी चीज़ लिखने के लिए, और फिर फुटर, फुटर नीचे लिखने के लिए। अब इनकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। हेडर किस काम के लिए होता है, डिफाइंस अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन, किसी भी डॉक्यूमेंट या सेक्शन के लिए, या फिर जो मेन चीज़ होती है, मेन मुद्दा होता है हमारे पेज का कि हमने क्या चीज़ बयान करनी है। लाइक मैंने बताया था कि मैं HTML ट्यूटोरियल सर्च कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें हेडर के अंदर लिखी जाती हैं। बाद में आ जाता है नेव। नेव के अंदर क्या है, डिफाइन अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स। नेविगेशन लिंक्स क्या है,
ये जो मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट में अगर मैं लेआउट पे क्लिक करूंगा तो लेआउट वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हेड, अगर मैं एचटीएमएल के हेड पढ़ना चाहता हूं तो हेड के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर मैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट पढ़ना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा। ये सारी नेव बार है, ये इसका लेफ्ट साइड पे भी नेव बार है और अपर साइड पे भी नेव बार है, जहाँ पे एचटीएमएल सीएसएस मतलब सेपरेट किसी न्यू लैंग्वेज में जाने के लिए हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन। सेक्शन में हमें क्या लिखना है, डिफाइन अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। तो सेक्शन के अंदर भी इसी तरह यही लिखने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल में हम कोई भी आर्टिकल लाइक मतलब जो भी हमारे व्लॉग ब्लॉग वगैरह होते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें हैं, वो आर्टिकल टैग के अंदर लिखी जाती है। डिफाइन एन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट। नेक्स्ट है असाइड। डिफाइन कंटेंट असाइड फ्रॉम द कंटेंट लाइक अ साइड बार। मतलब कोई भी चीज़ आप साइड पे लाइक साइड पे, अभी ये चीज़ एक साइड पे शो हो रही है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम जब कोई ऐप या कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें एड्स के तौर पे शो हो रही होती है। अब हम इस वेबसाइट पे देखें तो राइट पे हमें ये एड्स शो हो रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए साइड टैग का यूज़ किया जाता है। मतलब जो फालतू चीज़ें होती हैं, जो बेमायने चीज़ें होती हैं, तो कंप्यूटर को भी पता हो कि इन चीज़ों का कोई खास तल्लक खास फ़ायदा नहीं है इस वेबसाइट पे, तो उसके लिए साइड टैग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फुटर। फुटर मतलब आपकी वेबसाइट के एंड पे जो होगा वो क्या होना चाहिए, तो फुटर यूज़ होता है। डिफाइन अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। सेक्शन या डॉक्यूमेंट के फुटर को सेट करने के लिए डिटेल्स टैग भी आ जाता है। डिफाइन एडिशनल डिटेल्स टैग द यूज़र कैन ओपन एंड क्लोज। जो ऐसी डिटेल्स, ऐसी चीज़ें जो यूज़र क्लोज भी कर सके और ओपन भी कर सके। नेक्स्ट है समरी टैग। इस तरह काफ़ी टैग्स और भी आ जाएंगे जो कि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब ये सब बताने का मकसद आपको ये था कि लेआउट में, एचटीएमएल में हमें ऐसी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जब हम नेक्स्ट अपना कोड वगैरह लिखेंगे तो उसके अंदर कुछ इस तरह के टैग यूज़ करेंगे। अभी जो आपको पिक्चर शो हो रही होगी आपके स्क्रीन पे, देखें सामने, ये देखें। अब यहाँ पे हेडर है, हेडर के बाद मेन है, फुटर है। ये आपको ध्यान में रखना है कि बॉडी के अंदर भी तीन मेन टैग्स होते हैं जिनमें हेडर मेन फुटर आता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हेडर के अंदर क्या होता है, हेडर हो गया, नेव बार हो गया, नेव के अंदर होम, वो तो सारी सी बात है। नेव टैग के अंदर आप नेविगेशन वगैरह लिखेंगे, और जो मेन टैग है, मेन टैग के अंदर मेन का ओपनिंग टैग आएगा, उसके बाद सेक्शन आर्टिकल असाइड, तो और उसके बाद मेन टैग क्लोज हो जाएगा। इसके अंदर सेक्शन आर्टिकल साइड तीनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें सेक्शन आता है पेज सेक्शन, आर्टिकल सेल्फ कंटेंट कंटेंट, और असाइड कोई भी साइड पे चीज़ चलाने के लिए या एड्स वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये सारी चीज़ें, ये सारे टैग्स ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पेज बनाने के लिए ज़रूरी लिखने पड़ेंगे, लेकिन ये SEO के लिए या फिर रीडेबल स्ट्रक्चर लेआउट बनाने के लिए बहुत यूज़फुल रहता है आपके लिए। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लिंक एट्रीब्यूट के बारे में। लिंक एट्रीब्यूट क्या है, लिंक एट्रीब्यूट में देख लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इसको मैं रेज कर देता हूँ, बॉडी से नहीं, यहाँ से रेज करता हूँ। लिंक टैग में हमने पढ़ा था एंकर टैग, उसके बाद HF, और HF में हम लोग लिखते थे कोई भी लिंक लाइक www. ये मैंने पीछे से लिंक कॉपी कर ली है, यहाँ पे डबल ये लगा देते हैं और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, एंकर टैग क्लोज, और यहाँ पे लिख देते थे लाइक मैंने लिख दिया MS चैनल। अब इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे सेव करने के बाद ये देखें, जब मैंने इसको ओपन किया, MS चैनल पे क्लिक किया, तो यहीं पे अब मेरा चैनल ओपन हो गया। अब इससे मैं फिर बैक करूँगा, फिर मैं अपना उसी पे आ जाऊँगा, उसी पेज पे आ जाऊँगा। यहाँ पे अगर मैं एक एट्रीब्यूट का यूज़ करूँ, एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था कि HREF भी एक एट्रीब्यूट है जो ओपनिंग टैग के अंदर यूज़ होते हैं, उनको एट्रीब्यूट कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ टारगेट। टारगेट क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखूँगा डैश और उसके बाद ब्लैंक। अब इस एट्रीब्यूट से क्या होगा ये हम देखते हैं। मैंने सेव किया इसको। सेव करने के बाद मैं जूँ ही यहाँ पे जाके, यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, रिफ़्रेश किया, MS चैनल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये एक न्यू टैब में ओपन हो रहा है। मतलब ये एक टैब अलग है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक न्यू टैब में ओपन हो रहा है। इसके अलावा क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहें, यहाँ पे लिखा आ रहा है MS चैनल, MS का चैनल लिखा आ रहा है, ये देखिए MS चैनल लिखा आ रहा है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई तस्वीर शो हो रही हो, तस्वीर के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो तब भी मैं किसी ना किसी चैनल पे या फिर किसी ना किसी लिंक पे चले जाऊँ? तो यहाँ पे हम पिक्चर का कैसे ऐड करेंगे, तो पिक्चर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यही है कि जहाँ पे जहाँ पे MS चैनल लिखा है यहाँ पे हम पिक्चर ऐड कर लेंगे। अब पिक्चर मैंने कैसे ऐड करनी है, हम अपनी लास्ट क्लास में चलते हैं, जहाँ पे मैंने
का लिंक वगैरह दिया हुआ है, हमने क्या यूज़ किया था, img src उसका pic.jpg, और उसी फोल्डर में अभी भी पड़ी होगी। तो ये मैं ऐसे ही इसका पूरा टैग कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। मतलब सिंपल आपने यहाँ पे लिख देना है। अब pic.jpg, पिक आपको पता है कि मैंने एक सेव की थी, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे html के अंदर शायद पड़ी होगी, ये देखें, ये पिक मैंने सेव की हुई है, यही पिक आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। अब इसको ज़रा हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको अपने पेज पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे अब पिक्चर शो ही नहीं हो रही है, इसका रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। pic.jpg इमेज एरर ऑल्ट jpg png, तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो png है। ये शायद मैंने समझाने के लिए आपको खुद एरर इसका करवाया था, तो यहाँ पे मैंने png कर लिया है। png करने के बाद मैं इसको अगेन सेव करता हूँ, अगेन सेव करने के बाद इसको मैंने जब रिफ्रेश किया तो ये मुझे पिक्चर शो हो रही है। अब इस पिक्चर के ऊपर आप कहीं भी क्लिक करेंगे, लाइक ये मैं क्लिक करने लगा हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो मैं एक नए पेज पे चला गया हूँ, और एमएस क्रिएटिव प्लेटफॉर्म का जो चैनल है वो ओपन हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक कौन सा दिया था, अपने चैनल का लिंक दिया था। अब ये पूरी पिक्चर है, ये एक लिंक से अटैच हो चुकी है, मतलब इस पूरी पिक्चर के पीछे ये वाला लिंक लग चुका है जो हमने यहाँ पे लगाया था। अब यहाँ पे जो मैंने टारगेट ब्लैंक का यूज़ किया, अगर मैं इसको अरेज कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जो हमारा चैनल ओपन होगा वो इसी टैब के अंदर ओपन होगा। जस्ट इतना सा फ़र्क पड़ रहा है टारगेट ब्लैंक के ज़रिए। अब इसको अगेन मैं बैक करता हूँ और अगेन मैं ब्लैंक का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी एक यूज़फुल रहता है। अब बात आती है कि अगर मैंने पिक्चर फोल्डर में नहीं पड़ी, तो वो आपको पता है कि अगर फोल्डर में नहीं है तो यहाँ पे आप उसका किसी भी पिक्चर का एड्रेस देंगे तब भी वो पिक्चर वहाँ पे चली जाएगी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि पिक्चर को सेट कैसे किया जाए। अब ये पिक्चर का भी इशू आ जाता है कि पिक्चर को अगर हमने छोटा बड़ा, अब इतनी बड़ी पिक्चर है तो इसको छोटा करके कैसे लगाया जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक छोटी पिक्चर बनाएं, अगर आपने बड़ी भी बना ली है तो उसको छोटा कैसे करना है, तो उसके लिए सिंपल आप एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। अब ये भी एक एट्रीब्यूट है, अब इस एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे इसको करके लिख लेता हूँ। ये अब आपको सही से समझ आ रही होगी कि आपने एंकर टैग ओपन किया है, एंकर टैग क्लोज किया है, उसके अंदर आप लिख रहे हैं कि किसके अंदर एंकर टैग अप्लाई होना चाहिए, तो वो एक अलग चीज़ है। अब इमेज के अंदर src भी एक एट्रीब्यूट है, alt भी एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हम कुछ और एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे। अब वो क्या है, वो है हाइट एंड विड्थ, ये HEIGHT हाइट इज इक्वल टू, कितनी रखना चाहते हैं हम रख लेते हैं इसकी 25, और विड्थ रख लेते हैं हम लोग 25, सॉरी। इसमें सेव करके ज़रा देखते हैं, तो ये देखें अब हमारे पास जो पिक्चर है वो बहुत ही छोटी हो गई है, 25 हमने ज़्यादा छोटी रख ली है। 25 की जगह हम कर लेते हैं 215, 215 सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अगेन मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें छोटी हो गई पिक्चर। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी हम इस तरह किसी चीज़ की हाइट या विड्थ देते हैं, चेंज तो हम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमने इन दोनों में से कोई एक चीज़ देनी है, मतलब या हाइट दे दें या विड्थ दे दें, उससे क्या होगा, हमारी जो पिक्चर है, अब पिक्चर आपको पता है इस शेप की नहीं थी, ये तो लंबाई ज़्यादा थी, इसकी लेंथ ज़्यादा थी, विड्थ कम थी, लेकिन अब क्या हुआ है, इसकी रेशियो ख़राब हो गई है, मतलब कुछ वैसे नहीं पिक्चर शो हो रही जैसे थी। अगर हम इन दोनों में से एक चीज़ देंगे, लाइक मैंने हाइट दे दी है कि 215 हाइट रहे, तो क्या होगा, 15 नहीं थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, 250 हाइट रहे इसकी, जब मैं इसको सेव करूंगा तो इसकी हाइट 250 रहेगी, और बाकी जिस तरह की पिक्चर खुद थी उस तरह से ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगी। तो हमने इनमें से या हाइट या विड्थ, इन दोनों में से कोई एक चीज़ का यूज़ करना है, विड्थ का यूज़ कर लेते हैं। विड्थ यूज़ करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए विड्थ उसने 250 की है, और हाइट उसी के मुताबिक जितनी पिक्चर थी वो उसी तरह शो हो चुकी है। अब मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, नेक्स्ट में लिंक ओपन होगा, और आप यहाँ पे कोई भी लिंक लगा सकते हैं इसके पीछे। तो ये थे हमारे लिंक एट्रीब्यूट एंड पेज लेआउट। उसके बाद बात करते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स की और इनलाइन एलिमेंट्स की। इसके अंदर हम दो टैग्स के बारे में बात करेंगे, एक होता है डिव टैग और एक होता है स्पैन टैग। अब डिव टैग किस काम के लिए यूज होता है, डिव टैग को पढ़ लेते हैं। div tag is often used as a container for other elements, div is a block level element। अब एक दफ़ा span को भी साथ पढ़ लेते हैं, span is an inline container।
अब दोनों में फ़र्क क्या है? डिव भी यूज़ होता है कंटेनर्स के लिए, स्पैन भी यूज़ होता है कंटेनर्स के लिए। अब कंटेनर क्या चीज़ है उसको देखते हैं। यहाँ पे लेट सपोज, ये एक दफ़ा मैं साइड पे कर देता हूँ। लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैं H1 इसमें कुछ लिखता हूँ लाइक MS चैनल, साथ ही यहाँ पे मैं P में लिखता हूँ दिस इज वेरी इनफॉर्मेटिव। यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज इनके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करनी है। अब आपको मैं साथ साथ बताता चलूँ कि इसके ऊपर जब हम CSS अप्लाई करते हैं तो वो कुछ इस तरह से अप्लाई करते हैं कि हम हेड में रेफरेंस देते हैं कि H1 के अंदर ये चीज़ अप्लाई कर दो। तो मैं लिखूंगा H1 के अंदर भी यही चीज़ अप्लाई कर दो, P के अंदर भी यही चीज़ अप्लाई कर दो। लेकिन अगर मुझे दोनों पे एक ही चीज़ अप्लाई करनी है तो क्यों ना मैं इन दोनों को एक कंटेनर के अंदर बंद कर दूं और फिर वहां पे कहूं कि इस कंटेनर में ये चीज़ अप्लाई कर दो, तो वो दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंटेनर्स का। अब कंटेनर क्या चीज़ है? डिव टैग है, जो ये कंटेनर है इसको कुछ इसी तरह यूज़ किया जाता है एक्स यहाँ पे नीचे। अब ये क्या होगा, मैं ऊपर लिखूंगा कि डिव के अंदर ये चीज़ ऐड कर दो या डिव के अंदर ये कुछ कर दो। या फिर यहाँ पे भी हम लोग CSS का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी अगर कलर वगैरह करना है तो हम यहाँ पे कलर जो भी सेट करूँगा तो वो इन दोनों लाइंस में हो जाएगा। तो बेसिकली जो डिव यूज़ होता है वो एज अ कंटेनर यूज़ होता है कि इसके अंदर हम दो तीन लाइनें या जितना भी जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपने अक्सर वेबसाइट देखा होगा, अगर आपने इंस्पेक्ट की है तो बहुत सारी चीज़ें, बल्कि बहुत सारे डिव यूज़ किए गए होते हैं। बार बार तीन तीन लाइनों को एक डिव में डाला होता है, तो डिव इसलिए यूज़ होते हैं। इसी तरह स्पैन का भी इसलिए यूज़ किया जाता है, स्पैन के अंदर भी कुछ ना कुछ अगर कोई दो लाइनें लिखनी है तो उनका यूज़ किया जाता है। अब स्पैन और डिव में फ़र्क क्या है? एक ये तो सेम हो गया ना कि आपने दोनों को एज अ कंटेनर यूज़ करना है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि डिव है जो वो है ब्लॉक लाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, और जो स्पैन है इनलाइन एलिमेंट। अब इनलाइन और ब्लॉक लाइन में देख लेते हैं क्या फ़र्क होता है। अब ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि अगर मैंने H1 लिखा है, H1 एक ब्लॉक एलिमेंट है, H1 लिखा है तो MS चैनल है जो वो जब शो होगा वहाँ पे तो उसके राइट पे जितनी भी जगह होगी वो सारी MS चैनल के नाम हो जाएगी। वहाँ पे अब हम कुछ और डाटा नहीं लिख सकेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट है लाइक अटैलिक या बोल्ड जो होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बोल्ड B, अब यहाँ पर मैं MS चैनल लिखता हूँ, जब MS चैनल लिखूंगा क्या होगा, बोल्ड के साथ इसके नीचे मैं लेट्स सपोज एक और बोल्ड का यूज कर लेता हूँ या फिर अटैलिक का यूज कर लेता हूँ। अटैलिक का यूज करने के बाद मैं लिखता हूँ MS चैनल, ये शायद हमने पहले किया भी है। अब क्या होगा, मैं इसको आपको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज इंफॉर्मेटिव लिखा और उसके बाद ये जो MS चैनल और MS चैनल है ये यहीं पे क्यों नहीं शो हुआ? क्यों? क्योंकि H1 एक ब्लॉक एलिमेंट था और इसने ये सारी जगह एंड तक विड्थ जितनी भी राइट पे जितनी भी जगह थी वो सारी इसने घेर ली। जबकि बोल्ड में और इटैलिक में क्या हुआ कि उसने सिर्फ उतनी जगह घेरी है जितनी पे वो खुद था। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देता हूँ एक, ये देखें, ये मैंने क्लिक किया। अब हम देखते हैं जब मैं MS चैनल के ऊपर क्लिक नहीं करता, सिर्फ माउस लेके जाता हूँ तो MS चैनल पूरी लाइन पे, मतलब पूरी लाइन नज़र आ रही है। इसका क्या मतलब है कि MS चैनल लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट तक जितनी भी जगह है उसने वो सारी जगह घेरी हुई है। इसी तरह ऊपर वाला MS चैनल है वो भी ऐसे ही है, लेफ्ट से लेकर राइट तक उसने जगह घेरी हुई है। क्यों? क्योंकि वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद अगर मैं पिक्चर पे लेके जाता हूँ तो पिक्चर ने सिर्फ उतनी जगह घेरी है जितनी पे वो है, तो वो एक इनलाइन एलिमेंट है। उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ MS चैनल में तो वहाँ पे हमने, क्योंकि B का मतलब बोल्ड करने के लिए B टैग का यूज़ किया था, तो B टैग भी एक इनलाइन एलिमेंट है, तो उसने भी सिर्फ उतनी जगह घेरी है जितनी पे वो खुद है। अगर हम MS चैनल की बात करते हैं दूसरे वाले की जिसमें हमने इटैलिक का यूज़ किया था, तो उसने भी उतनी ही जगह घेरी हुई है जितनी में वो कुछ खुद है, तो वहाँ पे वहाँ वो भी क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है। लेट्स सपोज हम ये वाला जो यूज़ किया था पैराग्राफ, पैराग्राफ भी एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसने लेफ्ट से लेकर राइट तक सारी जगह घेरी हुई है। अगर हम पैराग्राफ के अंदर P टैग के अंदर कोई कलर ऐड करते हैं तो वो कलर भी पूरी लाइन में ऐड होगा, ना कि सिर्फ उतनी जगह पे, क्योंकि वो एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। इसके अलावा मैं आपको ब्लॉक लाइन की एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ये पेज है, यहाँ से लेकर ये इतना पेज है हमारे पास,
इस पेज के अंदर आप देखेंगे टेक्स्ट वन लिखा है उसने पूरी लाइन घेर ली है, टेक्स्ट टू लिखा है उसने भी पूरी, टेक्स्ट थ्री उसने भी पूरी, टेक्स्ट फोर उसने भी पूरी, टेक्स्ट फाइव उसने भी पूरी, मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरी जगह घेरी। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स। और उसके बाद जो राइट पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसके अंदर एक ही लाइन में टेक्स्ट वन भी आ गया, टेक्स्ट टू भी आ गया, टेक्स्ट थ्री फोर फाइव सिक्स जितने जितने वो खुद थे उतनी उतनी जगह घेरी। तो ये इन लाइन एलिमेंट्स है जो सिर्फ अपनी मुताबिक मतलब जितने अल्फाबेट्स होंगे सिर्फ उतनी जगह घेरते हैं। तो ये फ़र्क है ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स में भी में और इन लाइन एलिमेंट्स में। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ शो करवाता हूँ ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स के बारे में बताता हूँ और कुछ इन लाइन के बारे में। आपको भी यहाँ पे शो हो रहा है एड्रेस आर्टिकल असाइड ये जितने भी टैग हैं ये सारे ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स हैं। ब्लॉक ऑटो कैनवस डी डी डिव डी एल डी टी फील्ड सेट ये इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। फुटर फॉर्म एच वन से लेके एच सिक्स तक हेडर एच आर मेन नेव इस तरह की जितने भी ये आपको लिखे नज़र आ रहे हैं ये सारे ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद अभी आपके सामने शो हो रहे हैं ये इन लाइन एलिमेंट्स। इसके अंदर आता है ए ए बी बी आर एक्रोमीन बी बिग बी आर बटन साइट कोड डी एफ एन ये सारे जितने भी यहाँ पे टैग्स लिखे हुए हैं ये सारे कौन से हैं? इन लाइन एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे हमारी क्लास फोर है जो वो एंड होती है। आज आपने करना क्या है, इसकी असाइनमेंट आपकी क्या है वो आपने खुद ही अपने पेज के ऊपर या अपने पीसी के ऊपर करके देखना है। एक तो जो आपको मैंने हेडर मेन फुटर बताए थे इन चीज़ों का यूज़ करके देखिएगा कि फुटर यूज़ करने से आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या आता है, और आर्टिकल साइड सेक्शन ये यूज़ करने से आपका रिजल्ट क्या आता है। उसके अलावा आपने कोई भी पिक्चर लेनी है और पिक्चर के पीछे लिंक लगाना है तो वो लिंक कैसे लगाया जाएगा, या फिर कोई भी पिक्चर लेनी है उसकी विड्थ और हाइट अपने तरीके से सेट करें, इन सारी चीज़ों को आपने अपने पास अपने पीसी के ऊपर करके देखना है। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। उसके अलावा ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स और जितने भी आप यूज़ करेंगे अपने इस पेज के अंदर इस फाइल के अंदर उनमें से आप देखिएगा पहचानिएगा उनको कि इनमें से कौन से जो टैग्स आपने यूज़ किए हैं वो ब्लॉक लाइन है और कौन से टैग्स हैं जो आपने यूज़ किए हैं वो इन लाइन एलिमेंट्स है। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में क्लास फाइव में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।